हाय, आज का वीडियो में सबका स्वागत है। इट्स मी शालू। आज मैं आप लोगों को एक केरला स्टाइल सिंपल इजी डोसा कैसे बनाते हैं, फ्लफी एंड सॉफ्ट डोसा कैसे बनाते हैं वो सिखा देती। बट एक चीज़ मैं बताने चाहती हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बिकॉज आई एम साउथ इंडियन, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप प्लीज़ माफ़ करना। चले, डोसा के लिए ना मैं एक छोटा सा बर्तन लिया जो चावल और दाल भिगो के रखने के लिए। देखो मेरा प्रपोर्शन आप देख लेना, इसे आप वीडियो में देख सकती हूँ। ग्लास की साइज़ ऐसे मीडियम साइज़ ग्लास लिया मैंने। इसका 3 ग्लास चावल डोसा के वाइट राइस मैंने ले लिया। अभी जनरल स्टोर में सब में वाइट राइस मतलब डोसा की राइस अवेलेबल है, आप मतलब ईजली अवेलेबल आपको अवेलेबल होता मतलब मिल जाएंगी। मेरे घर पे 4 to 5 मेंबर्स हैं तो उसके हिसाब से मैंने लिया है 3 ग्लास भर के लिया है। तो 3 ग्लास के लिए 1 ग्लास पूरा भर के उड़द दाल लिया है, मतलब मेरा 5 मेंबर्स के लिए 2-3 आराम से चलेगा ये बैटर। तो मैंने 2 दिन के लिए 5 मेंबर्स के लिए 3:1 ग्लास वाइट राइस मतलब डोसा की चावल लिया है एंड 1 ग्लास मैंने ये लिया है उड़द दाल। फिर मैंने ले लिया 2 पिंच मेथी दाने लिया है, ठीक है, 2 पिंच मेथी दाने। अब मैं इसको अच्छा से वॉश करने जा रही हूँ। अच्छा से वॉश कर लेना, 2-3 टाइम्स आप अच्छे से वॉश करना, फिर हम इसको भिगो के रख दूँगी, ठीक है। देखो सबको लगेगा ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है मतलब प्रोसेस है और मतलब बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं है। तो हम पहली बार बना रही हूँ घर पे बैटर, इसलिए सबको लगता है, बट इजी है, बेटर है ना हमारे घर की बैटर। तो हमारे घर की बैटर जो हम खरीदते हैं पैकेट वाला, नहीं तो बाहर से बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो इससे बेटर है ना, क्योंकि बाहर कैसे हाइजीनिक कैसे होता है, वो कैसे मेंटेन करते हैं वो सब हमको पता नहीं है। बट ये तो हम बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, हमने खुद बनाया है ना। इसलिए देखो मैंने अभी अच्छे से वॉश किया, अब ये मैं 4-5 आवर्स के लिए ये ऐसे पानी में भिगो के रखती हूँ। मैंने मॉर्निंग 9 o'clock, 10 o'clock के अराउंड पानी में रखा था, फिर मैंने शाम को 5-6 बजे के अकॉर्डिंग मतलब अराउंड मैंने ये पीस लिया। देखो अभी मैं ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मिक्सी में अच्छा से पीसने जा रही हूँ। ये बैटर अच्छा से आपको पीसना है, जैसे इसका ग्लम्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, चावल अच्छे से पीसना है। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है ये, इसके अंदर पीसने से है ना, पहले आप 2 चम्मच नॉर्मल चावल है ना, उबाला वाला चावल डाल देना। मैं दिखाती हूँ आपको, मतलब 2 चम्मच मतलब टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, अदरवाइज टीस्पून, 2-3 टीस्पून। मेरे घर पे हम केरलाइट्स है ना, तो थोड़ा बहुत मोटा चावल खाती है। देखो मैंने तो वही डाला, एक ये से वाला 1 टेबलस्पून एक चावल डाल दिया, इतने ज़रूरी है बस। आप लोगों के पास ये चावल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल जो भी खाने वाला चावल है ना, जो वाइट राइस, वो डाल सकते हो। वो इसलिए डाल रही हूँ, जो भी आपकी डोसा और इडली होती है ना वो बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट एंड फ्लफीनेस इसी से मिल जाएगी, इसलिए हम नॉर्मली ये डालते हैं। तो आप भी प्लीज़ एक ट्राई कर लेना ये टिप। अब मैं थोड़ा थोड़ा पीस के एक बड़ा वाला बर्तन में अभी मैंने डाल दिया। अब थोड़ा सा मतलब जितना आपको नमक चाहिए उतना नमक डाल के आप अच्छे से मिक्स करनी है। मिक्स करते वक्त आप हाथ अच्छा से धोना फर्स्ट, फिर हाथ से आप मिक्स करना। मैं इसलिए बोल रही हूँ हाथ से आपको मिक्स करना है, क्योंकि हमारी हाथ वाला जो बैक्टीरिया होती है वो ये इसमें हम मिक्स करते वक्त उसी में भी रिएक्ट करके वो अच्छे से फर्मेंट होगी, है ना। मतलब जो कल सुबह तक आपका बैटर एकदम अच्छे से रेडी मिल जाएंगे आपको, इसलिए आप स्पून से ऐसे नहीं करना, आप हाथ से अच्छे से करके पूरा नाइट बाहर रखना। देखो ये अच्छे से बैटर रेडी हो गए, ऊपर तक आ गए, सुबह मैंने उठ के देखा तो ऊपर तक आ गए। अब मैं आपको एक सिंपल
एक डोसा एक इडली बना के दिखा देती हूँ कैसे बन गया। उसके लिए मैं पैन गरम कर दिया और थोड़ा सा गरम, ज़्यादा आपको लग रहा है तो पैन में थोड़ा सा पानी डाल के वो मेंटेन कर लेना। उसके बाद एक डोसे में बनाती हूँ, आप देख सकते हो। देखो मैं उसमें डाल दिया, ये तो मसाला डोसा नहीं है, ये नॉर्मल आपको मैं कैसे बताती हूँ, हाँ प्लेन डोसा है ये, नॉट मसाला डोसा, ये प्लेन डोसा है। इसके ऊपर से कुछ थोड़ा सा घी डाल सकती हूँ, जो भी लोगों को घी पसंद है उन लोगों के लिए घी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकती हूँ, नहीं तो आपको थोड़ा सा नारियल तेल डाल सकती हूँ, नहीं तो बटर भी डाल सकती हूँ, आपको जो भी आपको पसंद है इसके ऊपर जो भी डाल सकती हूँ, वो कोई इशू नहीं है। एंड एक बार पलट देना, पलट नहीं पलटा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी को हमने बंद करके ये बनाया है ना, तो इसलिए पलटा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे बच्चों को पलटा वाला वो डोसा थोड़ा सा पसंद है इसलिए मैंने पलट दिया। देखो अच्छे से बन गया। अब मैं दिखाने जा, अब मैं इडली की वो रख दिया गरम, पानी डाल के, पानी अच्छे से गरम होना है, तब तक मैं इसके अंदर वो इडली का बैटर डाल रही हूँ। उससे पहले ना थोड़ा सा तेल ऐसे करके आप थोड़ा सा ऐसे हाथ से हिला देना, क्योंकि ये इडली निकालते वक्त ना तो ईजी मिल जाएंगे। ये मैंने ना, आपने ध्यान रख लेना, ये जो अभी आपका बैटर इडली के लिए डालती हूँ ना, तो थोड़ा सा कम डाल देना, क्योंकि इडली स्टीम होने के बाद थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएंगे ना, तो उसके लिए भी जगह होना चाहिए, वो सोच के थोड़ा सा जगह छोड़ के कम डाल देना। अभी पानी अच्छे से उबर मतलब बॉयल हो गए, उसके ऊपर मैंने डाल रख दिया। अभी 7 to 10 मिनट्स के अंदर आपका इडली रेडी हो जाएंगी। अभी मैंने मतलब मेरे एक ही टाइम पे एट अ टाइम मुझे 9 to 10 इडली मिल जाएंगी। अभी ढक्कन से बंद करके अब हम छोड़ देंगे इसको 7 to 10 मिनट्स। ओके अब देखो मेरे इडली अच्छे से ऊपर तक आ गए, रेडी भी हो गए, सॉफ्ट लग रहा है। देखो मैंने एक चाकू के वो ना अंदर रख दिया, मतलब अंदर पिन करके देख लिया तो वो चिपचिपा नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका इडली रेडी है। अब मैं बाहर निकाल दिया, इसको ठंडा होने दीजिए, मतलब 5 मिनट्स में ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद मैं एक निकाल के प्लेट में डाल देती हूँ। अब हमारी इडली भी रेडी हो गई। मैं आपको ना क्विक ईजी स्पीडी नारियल की चटनी कैसे बनाते हैं वो भी मैं इसी के साथ साथ ही दिखा देती हूँ। उसके लिए कच्चा नारियल चाहिए, कच्चा नारियल ग्रेटेड टाइप की, आपके पास कैसे भी तरीके से ऐसे काट के भी डाल सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। उसके लिए मैंने नारियल लिया है एंड 3 to 5 सूखा वाला मिर्ची लिया है। मिर्ची पाउडर से अच्छा सूखा वाला मिर्ची है नारियल चटनी के लिए। और छोटा वाला प्याज है ना वो ले लेना, वो नहीं है तो आपके नॉर्मल प्याज भी चलेगा, नॉर्मल प्याज एक हाफ मतलब आधा से भी कम, आप देख सकते हैं ना इसमें मैंने जितना कितना डाला है उतना डाल देना। फिर ये थोड़ा सा थिक ग्रेवी जैसा पेस्ट, अच्छे से पेस्ट बना देना, मिक्सी में ग्राइंड कर देना। अब हम तड़का डाल देते इसके अंदर। तड़के के लिए मैंने ना नारियल तेल ही यूज़ किया है, आपके पास नारियल तेल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जो भी तेल घर पे है वो यूज़ कर सकते हो, है ना, उसमें कोई इशू नहीं है, जो भी अवेलेबल आपके पास होगा वो आप ले लेना। बट आप ध्यान रख लेना जीरा नहीं डालना, मस्टर्ड ही डाल देना, मतलब सरसों का दाना ही डाल देना। सरसों का दाना अच्छे से ऊपर आ जाएगा तब आप 1 या 2 पीस सूखा वाला मिर्च डाल देना। देखो मैंने 2 डाला है। फिर आप करी पत्ता डाल देना, ये अच्छे से खुशबू आ जाएंगे ना, तब स्टोव ऑफ कर देना, ये ध्यान में रखना है। स्टोव ऑफ करने के बाद आप नारियल उसके अंदर डालना है। थोड़ा सा मिक्सी भी मैंने क्लीन करके नारियल तो डाल दिया मैंने, और आपके टेस्ट के अनुसार नमक भी डालना। देखो थिक एंड अच्छे से नारियल चटनी भी एकदम स्पीडी रेडी हो गए, है ना। डोसा विद नारियल की चटनी इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन, आप सब लोग प्लीज़ घर पे ट्राई करना।
ये हमारी ये प्रॉपर ऑथेंटिक केरला साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट है। आप सभी लोग ट्राई करके मुझे कमेंट में बता देना कैसे बन गए आपका घर पे डोसा और इडली। इडली और डोसा के लिए सेम बैटर मैंने यूज़ किया। वैसे भी आपको भी सेम बैटर में इडली भी बना सकते हैं और डोसा भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो भी मेरा साइड्स की साउथ इंडियन रेसिपीज़ आपको कौन सा वाला सिखाना है आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए सांभर ईसी एंड क्यूक सांभर कैसे बनाते हैं वो सिखा देती हूँ। और कोई ऑप्शन से आपके पास तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड मेरे वीडियो लाइक मतलब आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना एंड See you.